गिनी फॉल के इसके स्वभाव के बारे में, इसके रहन सहन के बारे में और ये क्यों पाला जाए इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें क्लोरोफिट ज्यादा है जी, इसलिए कि ये दाना नहीं खाता। अच्छा, दाना खिलाएं, गेहूँ खिलाएं, ये हरे चारे से खुश रहता है। अच्छा, इस जैसे के गोभी के पत्ते हैं, बरसी है, ज्वार है, जितनी भी हरी बवाल सब्जी वगैरह है, खास ये जो वेस्टेज है इसको खा के खुश रहता है। दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की जय हिंद, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं मेरठ आपड़ रोड जाकिर कॉलोनी और सगीर भाई के पास। इन्होंने जो है गिनी फॉल और बटेर ये पाल रखी हैं, तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं गिनी फॉल और बटेर के बारे में। सगीर भाई, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाई आपको और हमको जो कैमरे की नजर से देख रहे हैं उनको अपना और अपने फार्म का संक्षिप्त में जो है परिचय दीजिए। भाई, हमारा ये फार्म जाकिर कॉलोनी है, हापुड़ रोड जाकिर कॉलोनी गली नंबर 7। अच्छा, हमारा मोबाइल नंबर जी 7467018857। अच्छा, आप अपना नाम भी बता दें। सगीर बुटेर वाले। अच्छा, तो सगीर भाई, आपने जो ये गिनी फॉल पाल रखी हैं जी और बटेर जी, बटेर तो देखने में आती है लेकिन गिनी फॉल जो है बहुत कम नजर आ रही है। गिनी फॉल का जो है कब से ये काम कर रहे हैं? पिछले साल से कर रहे हैं जी। जी, एक पिछले साल से कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल भी हमने चूजा भी बेचा है जी और बड़े भी बेचे हैं। अच्छा, हमें गिनी फॉल के इसके स्वभाव के बारे में, इसके रहन सहन के बारे में और ये क्यों पाला जाए इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें क्लोरोफिट ज्यादा है जी, इसलिए कि ये दाना नहीं खाता। अच्छा, दाना खिलाएं, गेहूँ खिलाएं, ये हरे चारे से खुश रहता है। अच्छा, जिस जैसे के गोभी के पत्ते हैं, बरसी है, ज्वार है, जितनी भी हरी बवाल सब्जी वगैरह है, खास फूल ये जो वेस्टेज है इसको खा के खुश रहता है। अच्छा, तो खाने का खर्च नहीं है इसका जी। अंडा महंगा बिकता है इसका। अच्छा, बच्चा महंगा बिकता है इसका। अच्छा, किसी वजह से अंडों से रिटायर हो जाए जी तो ये मीट में चला जाता है मुर्गे की तरह। तो सगीर भाई, एक बात बताइए कि सबसे पहले तो ये सुंदरता जी, सुंदर बहुत होता है मोर की तरह जी, इसीलिए इसको जो है लोग पसंद ज्यादा करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये अंडा कब देना शुरू कर देते, कितने महीने में अंडा देना शुरू कर? ये 6 महीने का बच्चा होने के बाद अंडा देना शुरू करता है। अच्छा, तो ये अंडा जो है कौन से मौसम में देता है? गर्मियों में अंडा देती है ये। केवल गर्मियों में? केवल गर्मियों। तो गर्मियों में कितने अंडे दे देती है, मतलब ये साल भर में? ये साल भर में 6 महीने अंडा देगी। 6 महीने अंडा देगी, यानी कि मार्च से शुरू होगी जी और अगस्त सितंबर तक जो है ये अंडे देगी। अब एक बात बताइए सगीर भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है जी, ये जो गिनी फॉल है जी, इसका अंडा कितने रुपए का मतलब बिकता है? अंडा बेच रहे हैं जी हम 40 रुपए का। 40 रुपए। अच्छा, और इसको जो है जैसे कि ये इसका अंडे से चूजा निकालते हैं वो कितने दिन में निकलता है? चूजा निकलता है जी 28 दिन में। 28 दिन। तो 28 दिन के बाद में एक दिन का जो चूजा है वो कितने रुपए में बेच रहे हैं? कम से कम 60 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए। अच्छा, तो ज्यादा 80 रुपए का आपका जो चूजा जो इसका बिक जाता है। अब बात आती है कि गिनी फॉल जो मैच्योर है, बड़ी है जी, जो कि युवा हो चुकी है, तो वो जो है वो कितने रुपए की बिक जाती है? कम से कम 1500 रुपए की। 1500 रुपए। और अगर कोई जोड़ा लेना चाहे तो? 3000 रुपए का। 3000 रुपए का जोड़ा। तो ये तो इसके अंदर 6 महीने के अंदर जो है 60-80 रुपए से जो है और आपका 3000 रुपए बन गया। तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें। हाँ जी।
अच्छा अब बात आती है शंकर भाई इसकी मार्केटिंग की, तो इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी, किसान भाई इसको कहाँ बेचे, ये बड़ा सवाल। किसान भाई क्या तो गाजीपुर मंडी में बेचे, अच्छा जितना भी होगा वो वहाँ भी देगा। अच्छा किसी वजह से वहाँ नहीं जाते जी तो हमें वापसी दे दे। अच्छा मतलब जिनको आप पूजा देंगे उनसे आप वापसी ले लेंगे, अच्छा मुनासिब रेट जी जी। अच्छा अब शंकर भाई बात आती है इसकी बटेर की जी, बटेर जो है ये आपने जो पाली है तो ये अंडों से चूजा निकलवाए हैं या आपने ये बटेर चूजा लेकर आए? ये चूजा लाए थे जी हम। तो चूजा कहाँ से लिया आपने? चूजा पहले लाए थे कंकरखेड़े से, कंकरखेड़ा सरदार रोड पर जी। अब अपना ही निकाल रहे हैं, अपना ही बेच रहे हैं, अलग ही बेच रहे हैं, खुद ही अपने आप निकाल रहे हैं, चूजा बेच रहे हैं। तो ये जो बटेर है ये कितने अंडे देती है? ये 265-70 अंडे देती है साल भर। 265-70 अंडे जो है साल भर में देती है, 52 दिन की अंडे देंगे। अच्छा तो इसका जो अगर अंडा कोई खरीदना चाहे तो वो कितने रुपए में बेच रहे हैं? 2-2.5 रुपए में अंडा बिक जाता है, 2.5 रुपए। तो इसका अंडा तो 70 ही मिल रहा है। हाँ 10 रुपए का चूजा है और ये चूजा जो है 10 रुपए का, चूजा 10 रुपए का। और ये 35 दिन में शायद लगभग ये बिक जाता है? 40 दिन में तो बिक जाती है। अच्छा तो ये जो है 40 दिन में बिक जाए? बिक जाए। तो 40 दिन में कितने रुपए का बिकेगा ये? कम से कम 45-48-50। अच्छा 45-48-50 तक जो है बड़े आराम से ये बिक जाता है। 30-32 रुपए की किसान भाई को पड़ेगी। हाँ और मतलब खर्चा लगा के? खर्चा लगा के। तो शंकर भाई जैसे कि कोई किसान भाई आपको और हमको सुन रहे हैं जी। और वो बटेर का काम करते हैं जी। तो अब उनका बटेर वो नहीं बिक पाता है गाजीपुर मंडी, तो क्या उनका बटेर भी आप लेंगे? बिल्कुल खरीदते हैं भाई हम। तो वो लगभग कितने रुपए में आप खरीद लेंगे उनका? हम कम से कम नाव बिकने में 45 रुपए। अच्छा कुछ मार्केट चढ़ती है तो 48 रुपए नहीं तो 50 रुपए करते हैं। तो ये तो बढ़िया बिक रही है इसका हाँ। किसान भाई जो है 12-13 रुपए 10 रुपए 20 रुपए खर्चा आता है और 15-20 रुपए उनको मिलेंगे, कम से कम 10 रुपए। तो आप हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है जी कि जो मुर्गी को ना पाल के ज्यादा हाँ। बटेर को पाले, गिनी बोल को पाले हाँ। इनमें कमाई भी ज्यादा हाँ। और सेल भी ज्यादा जी, और कोई बीमारी नहीं, और कोई बीमारी नहीं जी। और फिर ज्यादा कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, तो आस पास जो हम पहुंच जाएंगे, फोन करने के 2 घंटे बाद हम हाजिर होंगे। अच्छा तो शंकर भाई आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारा जो चैनल है आपका बार बार अभिनंदन करता है इस जानकारी के लिए। दोस्तों आपने अभी अभी शंकर भाई को सुना, उनसे जानकारी ली गिनी फॉल और बटेर के बारे में। देखिए बटेर भी बहुत सुंदर पक्षी लगता है और मीट के काम भी आता है, साथ ही साथ जो है गिनी फॉल एक मोर की तरह बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसको आप शौक के लिए भी पाल सकते हैं, सुंदरता के लिए भी पाल सकते हैं और ये मीट में भी काम आता है और साथ ही साथ जो है ये कोई खर्चा नहीं है इसका, ये जो है चारे के ऊपर जो है सारा काम जो है, जैसे कि बाजरा हुआ या आपका जो है ये बरसिम हुई, रिचका हुआ, इन सबको जो है हरी जो सब्जियां होती हैं, प्याज के छिलके होते हैं, इन सब के खाकर ही अपना पेट भर लेता है, गोभी के पत्ते होते हैं तो उनसे सबसे जो है अपनी ये उधर की पूर्ति कर लेता है। तो इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।